नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। एक बार फिर से महिलाओं के ऊपर उंगली उठाई गई है कि वो क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं। महिलाओं के काम पर फिर से सवाल खड़ा कर दिया गया है। सवाल वही घिसा पिटा है कि महिलाएं ये कर सकती हैं और ये नहीं कर सकती हैं। समाज के कुछ ठेकेदार बार बार महिलाओं को ये याद दिलाने की कोशिश करते रहते हैं कि उनकी सीमाएं क्या हैं। महिलाओं की सीमा तय करने का ऐसा ही बयान इस बार द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने दे दिया है। स्वामी स्वरूपानंद का कहना है कि महिलाएं शंकराचार्य जैसी सनातन संस्था की मुखिया नहीं बन सकती हैं, और इसके लिए उन्होंने शंकराचार्य के विधानों का सहारा लिया है। उन्होंने नेपाल में पशुपतिनाथ पीठ में एक महिला को शंकराचार्य बनाने पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक बने तो अच्छी बात है, परंतु कम से कम धर्माचार्यों को तो छोड़ ही दें। धर्म के ये पद महिलाओं के लिए नहीं है। आखिर धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? इसी मुद्दे पर हमारी बड़ी बहस होगी। हमारे साथ पंच निर्मोही अखाड़ा के महंत नवल किशोर दास जी स्टूडियो में मौजूद हैं। धर्मगुरु डॉक्टर एचएस रावत हैं। गुरुमा कंचन गिरी हमसे जुड़ेंगी और हिंदू स्कॉलर आचार्य करिश्मा कौशिक जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने आखिर कहा क्या है। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कल हमको बताया कि कोई एक महिला है जो अपने आप को नेपाल की शंकराचार्य घोषित कर रही है। तो आप देखिए, और एक संस्था ऐसी है जो नए नए शंकराचार्य बनाती है, जो उसके अनुसार बोले वो शंकराचार्य, जो उनके खिलाफ बोले वो कुछ नहीं। तो उनको चाहिए ही था, तो कई उन्होंने ये कहा कि भाई महिला को भी अवसर मिलना चाहिए, क्यों महिलाओं को वंचित किया जाए, उनको भी शंकराचार्य बना दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि शंकराचार्य कोई लाभ का पद है, ये कोई मिनिस्ट्री है, एमएलए एमपी है, राष्ट्रपति है। अरे ये शंकराचार्य जो बनता है उसकी कोई तनख्वाह नहीं होती, उसको भिक्षा मांग के ही खाना है। तो स्वामी स्वरूपानंद का बयान हमने आपको सुनाया, हंसी भी आ रही है इस बयान के ऊपर। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और ये अभी तक पुरुष और महिलाओं में भेदभाव करने में ही जुटे हुए हैं। वैसे तो स्वरूपानंद जी कई बार विवादित बयान देते रहे हैं। कभी कहते हैं शनि मंदिर में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, और आज इन्होंने ये कह डाला कि किसी भी जो सनातन संस्था है उसके जो सर्वोच्च पद है उस पर महिला आसीन नहीं हो सकती। हमारे साथ, मैंने आपको बताया था, बड़े गेस्ट जुड़े हुए हैं। महंत नवल जी, आप ही से सबसे पहले सवाल ले लेती हूं। उससे पहले बता दें कि डॉक्टर एचएस रावत धर्मगुरु हैं, वो भी हमसे मुंबई से जुड़ गए हैं। महंत नवल किशोर जी, क्या बयान है ये, कैसा बयान है? एक महिला, एक मां एक बच्चे को जन्म दे सकती है, नई जिंदगी दे सकती है, लेकिन पद पर नहीं बैठ सकती है। क्यों महिला और पुरुष को बांटने की कोशिश लगातार होती रहती है धर्मगुरुओं की तरफ से? एक तो मैं सोन जी निवेदन करना चाहूंगा जी, ये विषय मुझे नहीं लगता है डिबेट का है। ये आचार्य संहिता कोई स्वामी स्वरूपानंद जी ने नहीं बनाई, हमने और आपने नहीं बनाई जी। आज शंकराचार्य भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जो हुए, उन्होंने मठाइन नाम का एक ग्रंथ लिखा है। मठाइन नाम के ग्रंथ में चारों जो पीठ हैं उनमें जो शंकराचार्य बनेगा उसकी क्या योग्यता होना चाहिए, उसकी क्या परिचय होना चाहिए, ये उन्होंने स्पष्ट लिखा है। तो या तो आप ये कहिए कि शंकराचार्य भगवान ने जो लिखा है उसको हम उल्लंघन कर दें। उन्होंने लिखा है उसमें कि महिलाएं साधना करें, स्वाध्याय करें, ऐसे ही एक जन्म देगी। भगवान को भी महिला ही जन्म दे सकती है, क्योंकि मां है, उससे ज्यादा पवित्र और महान कोई हो ही नहीं सकता। परंतु आचार्य पीठ पर, शंकराचार्य के पीठ पर, आचार्य के पीठ पर महिला का बैठना ये हमारी संस्कृति का अंग है,
उभर जाता है, उसमें कहां विवाद है? इसमें महिला पुरुष की चर्चा क्यों कर रहा है? विवाद का काम आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस समय ये सारे ग्रंथ और ये सब कुछ लिखा जा रहा था, पुरुषों का वर्चस्व था, आज महिलाएं पुरुषों के बराबर खड़ी हो चुकी है। ग्रंथों को आप नदी में बहाना चाहते हैं क्या? नहीं, नदी में नहीं बहाना, लेकिन समय के साथ बदलाव जरूरी है। समय के साथ, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है साध्वी कंचन, बड़ा साहब मेहरबानी है आप लोगों की, आप महिलाओं की इज्जत करते हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं इस देश की, हर महिला 50% की आबादी, इस 50% की आबादी हम लेके बैठे हुए हैं और आप हमें बहुत, चलिए ठीक है। साध्वी कंचन जी, क्या आप शंकराचार्य जी ने जो कहा है उससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप ये देखिए, धर्म क्षेत्र में ही महिलाओं को रोक लगाया जाता है और किसी क्षेत्र में नहीं। महिला क्यों नहीं शंकराचार्य बन सकती है? महामंडलेश्वर आप बना सकते हैं, श्री महंत बना सकते हैं, और आज बेहतर क्या कार्य कर रहे हैं धर्म क्षेत्र में? मैं देखती हूँ भूखे, वैसे जिस क्षेत्र में शंकराचार्य रह रहे हैं उस गांव के लोग कितने पीड़ित हैं। शंकराचार्य जी का कार्य क्या है? ठीक है, गांव में इतनी सारी गरीबी, आप जिस परंपरा से हैं उस परंपरा के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। नहीं, हम जिस है, आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य कंचन जी एक बार आप गुरु परंपरा का निर्वाह हमारे साथ, हमारे साथ धर्म गुरु HS रावत जी हैं, पहले एक बार उनसे हम क्विक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आपका रुख करूंगी। बताइए रावत साहब, आप सहमत हैं शंकराचार्य जी ने जो कहा है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने? शोभना जी देखिए, स्वरूपानंद जी बड़े विद्वान आदमी, उन्होंने जो बात कही है शास्त्रों के अनुरूप कही है। इसकी 5 योग्यताएं होती हैं। कोई भी महिला बचपन से अगर दंड स्वामी बनती है, आजीवन ब्रह्मचारी रहती है, दंड लेकर के चलती है, तो वो शंकराचार्य पद के लिए योग्य हो सकती है। उसको सुचि यानी कहीं ना कहीं उनको चारों वेदों का ज्ञान कंठस्थ होना चाहिए, उसको हमारे 18 पुराणों का पूरा ज्ञान कंठस्थ होना चाहिए, उपनिषदों की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में उनका उपनयन संस्कार, जब हमारे शास्त्रों के अनुसार महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं होता, आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो 5 चीजें हैं वो व्यक्ति जो कर सकता है वही शंकराचार्य बन सकता है। आम दृष्टि आदमी को शंकराचार्य बनने पर भी पैन है, हम भी शंकराचार्य नहीं बन सकते। रावत साहब आप ठीक है, मैंने मान लिया कि वो 5 नियम, लेकिन इसका मतलब आपके हिसाब से महिला बन सकती है? महिला आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए सर, महिला बन सकती है शंकराचार्य जी? मैं शंकराचार्य नहीं बन सकता, हर पुरुष शंकराचार्य नहीं बन सकता, जैसे हर पुरुष नहीं बन सकता, उसी प्रकार से स्त्री को शंकराचार्य के जो नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रक्रिया में आए अगर तो बने शंकराचार्य शास्त्र। रावत साहब आपने ये कह दिया कि अगर तो महिला बने का पालन कर सकती है तो वो शंकराचार्य बन सकती है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आचार्य करिश्मा कौशिक जी जुड़ रही है, हिंदू स्कॉलर है। करिश्मा जी, इन्होंने मान लिया है कि अगर महिलाएं वो सारे नियमों को पूरा कर दें तो वो शंकराचार्य बन सकती हैं, पर शंकराचार्य ने अपना ही एक अलग राग अलापा है, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को भी इस क्षेत्र में आगे करना चाहिए, क्योंकि हर जगह महिलाएं आगे हैं, राजनीति में आगे हैं, हर जगह आगे हैं। जैसे कि HS रावत साहब ने कहा है कि अगर वो नियमों का पालन करती हैं तो कहीं ना कहीं वो बन सकती हैं, तो क्यों ना नियमों का पालन करने के बाद वो शंकराचार्य का पद हासिल करें। महन जी, अगर नियमों का पालन महिलाएं कर लें, जो 5 नियम बता रहे रावत साहब, तो क्या आप सहमत हैं कि वो भी शंकराचार्य बन सकती हैं? कम से कम आप उन्हें कंपटीशन में तो शामिल कीजिए, उसके बाद बराबरी का हक तो दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ कंपटीशन है ही नहीं, युद्ध है ही नहीं, ये परंपरा की बात है, ये एक सम्मान की बात है। देखिए, मेरे निवेदन करना चाहता हूँ, शंकराचार्य सुन लीजिए, आप शंकराचार्य से बड़े नहीं हो सकते, आप शंकराचार्य स्वयं भगवान के, नहीं यार लड़ाई करने से नहीं होगा। देखिए, अखाड़े तय करते हैं कौन बनेगा शंकराचार्य, विद्युत परिषद तय करती है कौन बनेगा शंकराचार्य, ईश्वर ने तो शंकराचार्य नहीं बनेगा, कौन बनेगा शंकराचार्य, ऐसे नहीं, विवाद का कारण ही नहीं है। जो परंपरा है उनका निर्वाह तो करना ही पड़ेगा, करना चाहिए, बनाई हुई परंपरा है, हमारी बनाई हुई है, अपने पूर्वजों का सम्मान करना, अपनी परंपराओं का अक्षर से पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है।
चलिए धार्मिक क्षेत्र है, मनमानी नहीं चल सकती। चलिए धार्मिक क्षेत्र है, इसलिए औरतों को उठा उठा के फेंकते रहो धर्म के नाम पर, बराबरी का हक मत दो, क्योंकि ये धार्मिक मामला है हर काम। चलिए रहने दीजिए महन जी, चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, ये चर्चा बहुत गर्म हो गई है और ये बात जानना बहुत जरूरी भी हो जाता है कि महिला आखिर शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकती, जब इस देश की महिलाएं 50% हैं तो क्यों नहीं वो धर्म का जो हक है वो भी पा सकती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।